शरीफ भाई, आपको मालूम है कि आज वर्ल्ड बिरयानी डे है? अरे एक नंबर है, आज बिरयानी डे है भाई, वर्ल्ड में सब बिरयानी खाने वाला है। हेलो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड ट्रैवल विद दादा। मैं हूं आपका प्यारा दादा कुमार। तो आज वर्ल्ड बिरयानी डे है दोस्तों, तो दिखाता हूं बिरयानी कैसे बनाते हैं, प्योर कोलकाता बिरयानी। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं मार्केट में और खरीदते हैं चिकन, फ्रेश चिकन। तो चलिए मेरे साथ। तो गाइस, ये है अमन मटन अनी चिकन शॉप। ये मीरा रोड में सबसे बेस्ट मटन शॉप है। ठीक है, बहुत अच्छा है इसका। शरीफ भाई इसका ओनर है। तो ये शरीफ भाई बहुत बिजी, आज संडे है। शरीफ भाई, आपको मालूम है कि आज वर्ल्ड बिरयानी डे है? अरे एक नंबर है, आज बिरयानी डे है भाई, वर्ल्ड में सब बिरयानी खाने वाला है। ये सब बकरे जो है, कितना उम्र है? कितना उम्र है? डेढ़ साल, एक साल? ये सात आठ महीने का होगा। सात आठ महीने? तो कौल्ला मटन एकदम बहुत अच्छा है। ये आपका एड्रेस बता दो तो। मीरा गांव पेजम पार्क। ये मीरा गांव में प्लेजेंट पार्क में है, सर्कस ग्राउंड के जस्ट बगल में ही है। 300 रुपया यहाँ पर पाया भी मिलता है बकरे का। तो गाइस, चिकन बिरयानी के लिए थोड़ा बड़ा पीस होना चाहिए। देखिए पीसेस, देखिए थोड़ा बड़ा बड़ा होना चाहिए, बस इसका दो टुकड़ा बस। गाइस अभी चिकन ले लिया, अभी चलते थोड़ा बिरयानी मसाला लेते हैं। एक कोलकाता बिरयानी स्पेशल मसाला है, तो चलिए लेते हैं। ये रहा वो दुकान, भाभी जी का दुकान। नमस्कार भाभी जी, थोड़ा बिरयानी मसाला दीजिए हमको। तो ये सब कलकत्ता का मसाला है, कलकत्ता से आता है स्पेशली और एक ही जगह मिलता है पूरा मसाला। आ गया, ये गरम मसाला है, लाइए तो दीजिए। स्पेशल एसेंस कोलकाता बिरयानी में जाता है। ठीक है, तो सब मसाला वगैरह ले लिए, अभी चलते हैं। ये शुरू करते हैं बिरयानी बनाना, कोलकाता बिरयानी। सबसे पहले देखिए, 3 प्याज, 1 किलो चिकन है, उसपे ये चावल जो लिया है 750 ग्राम चावल है। तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या इसमें जाता है। अदरक लहसुन हरी मिर्ची नींबू प्याज 3 बड़े आलू, और ये देखिए आलू बुखारा है, किशमिश है, इलायची है, दालचीनी है, लवंग है, शाहजीरा है और काली मिर्च है, और ये है दही, और ये है स्पेशल बिरयानी मसाला, और ये है दूध, 3 अंडा, और ये कुछ एसेंस, ये एसेंस है। ठीक है, 3 टाइप का एसेंस जाता है इसमें। और ये रहा चिकन, 1 किलो चिकन है। तो चलिए शुरू करते हैं चिकन बिरयानी बनाना कोलकाता स्टाइल। सबसे पहले गरम कढ़ाई में तेल डालेंगे, 1/2 कप जितना तेल, वो भी सरसों का। फिर थोड़ा 2 इंच जैसा दालचीनी, और 15-20 काली मिर्च, और 8 से 10 इलायची, और लवंग 5-6 लवंग, 2-1 चुटकी शाहजीरा। ज़्यादा गर्म तेल में मसाला, खड़ा मसाला नहीं डालना चाहिए, क्योंकि फटाक से जल जाता है। इसके लिए थोड़ा मीडियम गर्म हो गई, खड़ा मसाला डालिए। कटा हुआ प्याज इस तरह का, 3 बड़ा प्याज में डाल दीजिएगा। तो इसको थोड़ा लाल करके भुनेंगे, ज़्यादा काला नहीं होना चाहिए। लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके भी जाइएगा। तो गाइस देखिए, ये परफेक्ट हो गया है ब्राउनिश प्याज। ज़्यादा डीप फ्राई भी नहीं करना है, बस अभी इतना में आपको अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने बना के रखे थे, ये इसमें से 2 टेबलस्पून जितना इसमें डाल देना है, और इसको अच्छी तरह से सौते करना है जब तक कि कच्चा खुशबू उसका जो है अदरक लहसुन का वो ना चला जाए। तो गाइज अभी अदरक लहसुन प्याज अच्छी तरह से भुन चुका है। अभी ये देखिए, ये स्पेशल बिरयानी मसाला इसमें डाल दिया है। फिर इसको 2-4 सेकेंड हिलाने के बाद इसमें डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर। तो गाइस देखिए, 1 टेबलस्पून जितना लाल मिर्च पाउडर इसमें डाल देंगे, हल्का सा पानी डालेंगे ताकि लाल मिर्च पाउडर जल ना जाए। इसमें डाल देंगे, इसमें पानी डाल देंगे 1 ग्लास। फिर पानी डालने के बाद नमक डालेंगे इसमें, देखिए 1 टेबलस्पून है, इसमें नमक डाल दिए। तो अभी अच्छी तरह से उबाल आ गया, अभी एक एक करके इसमें आलू डाल देंगे। आलू थोड़ा बड़ा साइज का लिया है, तो अभी इसको 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे इसको मीडियम फ्लेम में। तो गाइस अभी 5 मिनट हो चुका है। ठीक है, अभी टाइम है, आलू अभी 40% गला हुआ होगा, तो अभी इसमें थोड़ा सा दही डाल देते हैं, 1 कप जितना दही डालेंगे इसमें।
क्या है, आलू के अंदर भी दही का जायका जाएगा। तो दही मैंने पहले इसलिए नहीं डाला है क्योंकि दही पहले डालेंगे तो आलू गलने में बहुत टाइम लगेगी। फिर से इसको ढक के रख देंगे अभी जब तक दही और मसाला एक साथ पक जाए। गाइस अभी 8-9 मिनट हो चुका है, अभी इसको खोल के ना इसको थोड़ा सा एसेंस डालेंगे। अभी ये देखिए स्पेशल एसेंस है, थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप डाल देंगे, 1-2-3 बस। इधर आलू उबल रहा है और यहाँ पर देखिए ये दूसरा गैस पे मैंने ये गर्म पानी रखा है चावल बनाने के लिए, ठीक है। जब तक ये उबल रहेगा तब तक ये ऊपर जो खड़ा मसाला डाला है तेजपत्ता और नमक, 2 बड़ा टेबलस्पून मैंने नमक डाला है इसमें, तो ये सब काइंड ऑफ ए फ्राई हो जाएगा गर्म में, मॉइस्चर इसका खत्म हो जाएगा। फिर इसको एक साथ इसमें डालेंगे, फिर 5-7 मिनट के लिए उबालेंगे क्योंकि फिर चावल पकाएंगे उसमें, क्योंकि फिर चावल का फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर ये खड़ा मसाला जब चावल डालने से पहले ये सब निकाल के फेंक देंगे। तो गाइस अभी देखिए अपना आलू बिल्कुल पक चुका है, तो अभी इसको निकाल लेते हैं आलू को। तो एक एक करके अभी आलू को निकाल लेंगे, बाद में दम जब लगाएंगे ना तब उसमें देखिएगा क्या प्रोसेस है आलू को अंदर डालते हैं। तो देखिए चिकन एक एक करके डाल देंगे इसमें, 1 किलो चिकन थोड़ा बड़ा बड़ा पीसेस करके काटा हुआ है मैंने। इसको ज़्यादा नहीं भुनेंगे, थोड़ा सा एक डेढ़ मिनट भूनने के बाद ना इसमें पानी डाल देंगे। तो दोस्तों इसमें देखिए 1.5 गिलास जितना मैंने पानी डाल दिया है, इसमें हल्का सा गर्म मसाला इसमें जाएगा, थोड़ा सा नमक भी जाएगा इसमें, मैंने अभी नमक टेस्ट किया है तो 1/2 टेबलस्पून जितना बस। तभी इसको ढक के रख देते हैं। तो गाइस अभी देखिए ये पानी उबल चुका है अभी, ठीक है। इसमें जितना भी ऊपर था खड़ा मसाला नमक डाला था ना वो मैंने इसमें डाल दिया। डालने के बाद इसको फिर से ढक देंगे 7 मिनट के लिए। तो गाइस ये देखिए मसाला वाला पानी उबल चुका है, मसाला का जो है जायका अंदर तक घोल चुका है पानी के साथ। तो अभी ये ऊपर से फेंक देंगे, फिर चावल को ऐड कर देंगे। तो गाइस चिकन पूरा पक चुका है, 80% अपना गल चुका है, 20% जो है वो तब में गल जाएगा, ठीक है। जूस को सिर्फ अंदर रखेंगे और एक एक करके चिकन हम लोग बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। एक बार जो हमारा जूस रेडी है, देखिए बिरयानी का जूस बोलते हैं, जब बिरयानी को दम लगाएंगे उसके पहले जो ड्रेसिंग करेंगे ये जूस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बताऊंगा आपको कैसे सजाना है। और ये अपना चावल 60% पक के रेडी है, 40% दम में पकेगा। तो अभी इसमें सबसे पहले देसी गाय का घी जाएगा, ये देखिए ये घर का बना हुआ है। अभी इसको गमेला को थोड़ा ऐसा करके, गर्म है गमेला, चारों तरफ ऐसा लगा लेंगे इसको। ये देखिए घी जाने के बाद ना जो ये रसा था जो चिकन का वो इसमें डालेंगे, देखिए ये डाल दिए, ऊपर ऊपर से डालेंगे धीरे धीरे ताकि प्याज नीचे ही बैठा रहे। इतना डाल दिए, ठीक है, आधा। उसके बाद दोस्तों ये देखिए ये दूध, ठीक है, ये दूध आधा आधा कप डालेंगे इसमें। फिर गाइस इसमें देखिए ये दही, ये आधा कप जितना इसमें दही डाल दिए। अब फिर से इसमें बिरयानी मसाला डालेंगे 1/2 टेबलस्पून जितना। फिर इसको थोड़ा सा हिला लेंगे, ठीक है, मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरह से। तो इसमें गया दूध, दही, बिरयानी मसाला और चिकन का जो ग्रेवी था, आलू जिसमें उबाला था, चिकन जिसमें उबाला था वो ग्रेवी। अभी ये एसेंस देखिए, इसको कहते हैं केवड़ा जल, ये 5 टेबलस्पून जितना डाल देंगे इसमें। और थोड़ा सा ये गुलाब जल भी डाल देंगे इसमें। अब गाइस देखिए वो जो आलू उबाला हुआ मसाला का साथ जो निकाला था उसको ऐसा करके रख देंगे धीरे से। अब इसके बाद जो देखिए आलू बुखारा को एक एक करके अंदर रख देंगे तो उसका खटास जो है पूरा उसमें फ्लेवर आ जाए। इसके बाद ये देखिए चिकन जो है इसमें डाल देंगे, तो ये गया अपना चिकन। अभी ये चिकन जब डालने के बाद थोड़ा सा बिरयानी मसाला ऊपर से स्प्रिंकल कर दीजिएगा। अब ये जो 60% पका हुआ राइस जो था, 60-70% जो भी आप ठीक समझे, इसको एक लेयर चढ़ा देंगे ऐसा करके। खड़ा मसाला जो है ज़्यादा दिखेगा तो फेंक दीजिएगा। तो इसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर देना ऊपर से। फिर इसके बाद बिरयानी मसाला फिर से राइस के ऊपर डाल दीजिएगा। ये दूध देखिए, ये दूध, ये थोड़ा दूध डाल दीजिए, फैला दीजिए, थोड़ा सा दूध बचा के रखिए। टॉप लेयर पे भी डालना पड़ेगा दूध, हल्का सा केसर का पानी। अभी इसमें आलू बुखारा 2-4 जो बचेगा उसमें ऊपर से
अभी इसमें देखिए जा रहा है किशमिश। किशमिश डालने के बाद आप ये चिकन का जो लेग पीस है, जो नरम पार्ट है, लेग पीस हो गया, फिर इसका लीवर हो गया, ये ऊपर डाल दीजिए। फिर उसके बाद ये जो बचा हुआ चावल है जो टॉप लेयरिंग के लिए यूज़ करेंगे हम लोग, तो ये टॉप लेयरिंग के लिए यूज़ हो गया। देखिए इसको हल्का सा स्प्रेड कर देंगे, फिर से ऊपर से बिरयानी मसाला डाल दीजिए। ज़ाफ़रान का पानी जो हम लोग बनाए थे उसमें थोड़ा हल्का डाल देंगे, गुलाब जल थोड़ा स्प्रिंकल कर देंगे ऐसा, केवड़ा जल। इसके बाद जो स्पेशल केवड़ा जल के साथ एक एसेंस मिक्स किया वो डाल देंगे लास्ट में, ठीक है। ये देखिए घी, थोड़ा घी ऊपर से स्प्रेड कर देंगे ऐसा, और ये बचा हुआ किशमिश ऊपर से स्प्रेड कर दीजिएगा, खूबसूरत दिखेगा जब हो जाएगा। तो हल्का सा चिकन का ग्रेवी ऊपर से स्प्रेड कर देंगे ना, तो मसाला जो है चावल के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा और खुशबू जायका एकदम बढ़िया आ जाएगा। तो अभी ये दम के लिए रेडी है, अभी ये ढक के आटा से सील कर देंगे, फिर इसको 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम में रखेंगे, फिर दम में इसको 40 मिनट के रखेंगे। गाइस अभी लास्ट में ना ये तीन अंडा जो उबाले थे उसको हम लोग दम के साथ अंदर डाल देंगे। गाइस अभी दम पे लगा दिया मैंने बिरयानी को, देखिए आटा के साथ पूरा सील कर दिया। अभी ये 10 मिनट हाई फ्लेम में पकेगा, फिर इसके बाद तवा रख के ना लो फ्लेम में करके 40 मिनट के लिए रखूंगा, फिर उसके बाद फ्लेम बंद करके 10 मिनट के लिए बैठने के लिए दूंगा बिरयानी को, फिर रेडी हो जाएगा खाने के लिए। ये देखिए इसका टेक्सचर, ये देखिए आपने, तो इसको एक साइड से पहले इसको आटा को निकाल लेता हूँ। तो ये देखिए अंडा भी इसके साथ मस्त दम पे आ गया है और रेडी है पूरा बिरयानी। देखिए प्लेट पे डाल के दिखा देता हूँ मैं आपको। तो गाइस ये देखिए मेरा कोलकाता बिरयानी बिल्कुल रेडी है। इसमें ना इसमें देखिए आलू, ये देखिए आलू का साइज, ये आलू पूरा एकदम गल चुका है, बहुत मसालेदार आलू है देखिए, ठीक है। ये आलू तो बहुत टेस्टी है, इसमें अंडा बॉयल अंडा, चिकन भी अच्छी तरह से पक चुका है, और ये देखिए पूरा मसाला घी एकदम पूरा रेडी है बिरयानी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा प्लीज़। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।